फ्रेंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में निकली आपकी भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी टीचर की, जिसमें लेक्चरर की पोस्ट की वैकेंसी निकली है। आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, आपकी सैलरी क्या रहेगी और आपका आवेदन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन की सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस उसकी कंप्लीट जानकारी आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं हम नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज 2021। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18/6, ठीक है, 15/7/2021 है लास्ट डेट, ठीक है। अंतिम तिथि यहाँ पे आपको दे सकते हैं 19/7 दे रखी जमा करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके उसके बारे में डिटेल है वो पढ़ सकते हैं और उनकी सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके दूंगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो मिलती है। फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए लाइव एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ही आपको जो लेक्चर इन गवर्नमेंट आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज का है आपको 19/7 दे रखा है, तो ये नोटिफिकेशन इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ठीक। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको आवेदन करने के बारे में बताया रखा है, ठीक है। आपको जो बैंक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक आपको जमा करना है इसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यूजर इंस्ट्रक्शन व्यू एडवर्टाइजमेंट अप्लाई यहाँ पे आपको बता रखा है, तो किस तरीके से आएगा वो यहाँ पे आपको जानकारी, प्रथम स्तर पे आपको क्या करना है वो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। इसका मैं वीडियो बनाऊंगा ही आप लोगों को। द्वितीय स्तर में, तृतीय स्तर में क्या करना है, प्रीव्यू सबमिट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें जो कि अनारक्षित यूआर कैटेगरी आर्थिक रूप से कमजोर के 100 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क कमजोर वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपये, ठीक है, आपके आपको इस तरीके से रखा गया है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे आपको 40 रुपये प्लस ऑनलाइन शुल्क, दिव्यांग श्रेणी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, जोधपुर से निकल के यहाँ पे 40 रुपये ऑनलाइन शुल्क यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। बाकी आपकी डिटेल देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, सबमिट करने के बाद आपको क्या क्या करना है वो यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ठीक, उसके बारे में डिटेल दे रखी है। तो ये हम यहाँ पे आपके लिए चाहें तो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। वैकेंसी की बात करें यहाँ पे टोटल 124 वैकेंसियाँ हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित की। यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या आपको आपको दे रखी है 30, 26, 33, 35 है टोटल। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर रखा है। सैलरी आपकी 9000 से लेकर 34000 रुपये रहेगी, 4800 का रहेगा आपका ग्रेड पे, लेवल 8 की आपकी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को ही यहाँ पे आपको लाभ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शैक्षिक अर्हता की बात करें, यहाँ पे आपको आवेदन पत्र में कि आपकी शैक्षिक अर्हता के प्रवक्ता भौतिक शास्त्र की, यहाँ पे आपको भारतीय विधि द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से आपको संबंधित विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, या सरकारी द्वारा समकक्ष आपका मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। प्रवक्ता जीव विज्ञान में भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि अब किसके समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए अधिमान अर्हता राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय से या सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त से LT डिप्लोमा या BT या भारतीय किसी भी विश्वविद्यालय से BEd शिक्षा साथी में स्नातक उपाधि, ठीक है। यहाँ पे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 6 से 10 तक के शैक्षण आपका 5 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। और प्रदेश यहाँ पे तीसरा आपको दे रखा है प्रदेशिक सेना में कम से 2 वर्ष तक का अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर में B का प्रमाण पत्र हो, तो ये सब यहाँ पे आपको आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति कॉलेज के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए पात्र हैं। एक से अधिक विषयों पर आपको ज्ञान होने पर आपकी आवेदन करने पर किसी एक विषय पर ही आपको अर्हता का पात्र माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आयु सीमा की बात करें 1 जुलाई 2021 के अनुसार 21 होनी चाहिए और कम से कम और मिनिमम 21 कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी आयु आपका जो जन्म 2 जुलाई 1981 से और 1 जुलाई 2000 के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं दिव्यांगजनों में 55 से आपका सीमा होनी चाहिए और 2 जुलाई 1966 से पूर्व होना चाहिए। अधिकतम आयु आपको उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियाँ हैं उन्हीं को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, उनके बारे में डिटेल है यहाँ पे आपको। अधिकतम जो आपका यहाँ पे SC ST है तो यहाँ पे दिव्यांग 15 साल का आपका रहेगा। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद यहाँ पे आपका प्री एग्जाम के सफल होने के बाद अभ्यर्थी को मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।
जिसके लिए उसके निर्देशक निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करना होगा। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के आपके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाहर अभ्यर्थी को 200 रुपये शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया का 25 रुपये शुल्क देना 225, तथा आपका उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के जो है उसके लिए यहाँ पे आपको 80 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रक्रिया का 25 रुपये शुल्क है, 105 रुपये है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपके 2 परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपका राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज की मुख्य परीक्षा के लिए आपको आवेदन को पत्र को समस्त दावों को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसको आपको आपको निरस्त कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम यहाँ पे आपकी बाकी आपकी अन्य डिटेल है, इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपका किस तरीके से आवेदन करना होता है उसके बारे में दे रखा है। कैंडिडेट सेगमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे आप उसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए रिगार्डिंग एप्लीकेशन के बारे में आ रहा है, ठीक है। लास्ट डेट आपको मैं बता चुका, ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी कम्प्लीट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यहाँ पे बिफोर लास्ट डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस आ रही है फोटो सिग्नेचर की, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसका पूरा अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको दे रखा है तीसरे पेज पर, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ मुख्य डिटेल है, इनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिशा निर्देश दे रखे एग्जाम से आपका पैटर्न के रिलेटिव यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्त की आपके 13 गुना अभ्यर्थियों आपको सफल घोषित किया जाएगा, यानी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में जो पास होने वाले व्यक्ति हैं, जो वैकेंसी है उसके आपको 13 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। उसके बाद आपको वो 13 गुना यानी जो होंगे आपको 13 गुना जो व्यक्ति होंगे वो आपकी मेन परीक्षा देंगे, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थियों को जो निर्धारित अंकारी जो परीक्षा पद के लिए अनिवार्य है उन्हें सम्मिलित रहेंगे, ठीक है। इस परीक्षा का आवेदन ना करें। अभ्यर्थी को ओमआर के उत्तर पत्रक बनने के अलावा काले बॉल आपका पॉइंट पॉइंट का यूज करें, ठीक है। तो इस चीज का आपको काले पेन का यूज करना है। अभ्यर्थी ओमआर आंसर शीट के प्रश्न सही से भरें, तो उनके बारे में जानकारी है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक आपके क्वेश्चन एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको गलत करने पर 1/3 नंबर आपके काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी डिटेल। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की अभ्यर्थी न्यूनता आपका मानक है जो 35% रखा गया है, अर्थात इन श्रेणियों के सभी अभ्यर्थियों को 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो केवल वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो 35% आपका क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। प्रारंभिक और मुख्य बच्चे दोनों परीक्षाओं में 35% रखा गया है, ठीक है। और अन्य श्रेणियों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% रखा गया है। यहाँ पे 40% प्रारंभ आपका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा चयन के लिए आपको 40% नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य आपके आदेश दे रखे हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना चाहें, ठीक है। ये आपके कुछ सर्टिफिकेट हैं, इनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो उनको यहाँ पे आप देखना चाहें तो खिलाड़ी हैं उन सबके यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ फिजिकल डिसेबल के यहाँ पे आपको दे रखा है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, आपका प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना के पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें आपसे 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें वैकल्पिक विषयों के 80 प्रश्न होंगे तथा सामान्य अध्ययन के 40 होंगे। इस तरह आपके जो कुल 300 अंकों का होगा, समय आपका 2 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपका जो सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम, देखिए सामान्य अध्ययन का सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय आपके कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल, प्रकृति संसाधन, आपका अधुदातन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, आपका सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, उद्योग व्यापार, रहन सहन, सामाजिक और प्रथाओं और संबंध के प्रति जानकारी, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर की, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, परिस्थिति और आपका पर्यावरण। तो वैकल्पिक विषय यहाँ पे आपके कुछ इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। ये मुख्य परीक्षा का यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आपको देने को प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी एवं निबंध 2 घंटे 100, और द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय आपका रहेगा 3 घंटे का 300 नंबर का। तो इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। पाठ्यक्रम पेपर में आपका प्रथम सामान्य हिंदी 50 अंक का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आपको ये पूरा ये देख सकते हैं, इनका पूरा उसका दे रखा है, ठीक है।
यहाँ पे हिंदी से मुहावरे लोकोक्ति है, इन सब के बारे में दे रखा है। द्वितीय खंड हिंदी निबंध रहेगा 50 नंबर का, जिसमें आपको दे सकते हैं, इसके बारे में दे सकते हैं। एक खंड में निबंध लिखना होगा, इसमें अधिकतम 1000 शब्द होंगे, तो यहाँ पे इनके बारे में आप दे सकते हैं, ये सब रहेगा। यहाँ पे ऑप्शनल जो रहेगा द्वितीय प्रश्न पत्र आपका, जो कि परीक्षा वैकल्पिक विषयों पे होगी, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, सभी अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों का विभाजित होंगे। आम में आप देख सकते 5 प्रश्न होंगे, जिसमें आपकी उत्तरों की सीमा 250 होगी, प्रत्येक प्रश्न आपका 25 अंक का होगा। बाम में आप देखिए 5 प्रश्न होंगे, जिसमें आपकी लघु उत्तरीय आपके उत्तर सॉरी लघु उत्तरीय उत्तरों की सीमा 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न के 15 अंक होंगे। आपके तीसरा होगा सार, जिसमें 10 प्रश्न होंगे, अति लघु होंगे, जिसमें आपके 50 सीमा आपकी सीमा शब्दों की सीमा होगी, 10 आपके अंक दिए जाएंगे। तो ये आपका वैकल्पिक आपके जो सब्जेक्ट है उनके बारे में सिलेबस है। तो आपका जो कि भौतिक विज्ञान का ये आपको दे रखा है, नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा जो आप पढ़ सकते हैं। आधुनिक आपका भौतिकी, विद्युत एवं चुंबक, आपका प्रकाशिक, आपके तरल, आपका तरंग दोलन, तापिकीय, भौतिकी, सब आपके रहेंगे, तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। रसायन विज्ञान का है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको देखो, जीव विज्ञान का है आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जंतु विज्ञान गणित का है, तो इस सिलेबस से आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे के आपके पेज में आपको यहाँ पर आपके 3 पेजों में आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी उत्तर प्रदेश में निकली आपकी गवर्नमेंट लेक्चरर की वैकेंसी के बारे में, जिसकी आपके नोटिफिकेशन की मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल लर्निंग टाइम के माध्यम से मैं आप लोगों को जरूर गाइड करूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा, या आप हमारे सोशल मीडिया पर छोड़कर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल के बने रहें। वीडियो देखने